हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हर जगह आपके आरसीसी में भी आती है, आपके स्टील स्ट्रक्चर में भी आती है, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आती है। तो इसमें क्या है, 6-7 केसेस होती हैं जनरली, और इसको हम इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर्स या आप इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम, आप जब कॉलम के डिजाइन करते हो तो वहां भी इफेक्टिव लेंथ लेते हो, आप जब एक कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन करते हैं तो वहां पर भी आप इफेक्टिव लेंथ लेते हो। तो वहां पे हमारा क्या होता है, ये 6 कंडीशन होते हैं। इसमें सबसे पहले होते हैं इफेक्टिव हेल्ड एंड पोजिशन एंड डिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ इन, मतलब हमारा कई तरह के होते हैं, लेकिन इन केसों को जानने से पहले, इन डेटा को जानने से पहले, यहाँ 4 तरह के फिक्स पॉइंट में, एक जैसे यहाँ पर फिक्स होता है, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स है आपका, फिर ये आपका हिंज है, उसके बाद आप एक यहाँ पर हमारा लोलर सपोर्ट टाइप का है और यहाँ पर फ्री है। तो इन हम क्या करते हैं, पहले चारों तरह के, जैसे हमारी पहली जो होती है फिक्स होती है, ये पूरी तरह से हमने फिक्स कर देते हैं, और दूसरा क्या होता है, हम यहाँ पर हिंज प्रोवाइड कर देते हैं, जनरली ऐसे हिंज कर देते हैं, और तीसरा होता है हम क्या करते हैं, लोलर प्रोवाइड करते हैं, इनमें अलग अलग यहाँ पर एक लोलर प्रोवाइड कर देते हैं, और एक चौथा होता है जो पूरी तरह से यहाँ पर फिक्स फ्री होती है, ये आपका फ्री है, यहाँ पर हिंज आप प्रोवाइड किए हो। तो यहाँ पर 2 केसेस इसमें हमेशा बनते हैं फ्रेंड्स, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है टॉन्सलेशन। यदि रोटेशन एंड ट्रांसलेशन के बारे में यदि आप पढ़ लेंगे कि कहाँ पर रोटेशन, रोटेशन मतलब थीटा कहाँ पे है, और ट्रांसलेशन मतलब डेल्टा, जैसे फॉर एग्जांपल ये फिक्स है, ये आप फिक्स कर दियो तो यहाँ पर ना रोटेशन होगा ना आपका डेल्टा होगा, यहाँ पर आपने हिंज किया तो आपका डेल्टा हो ही नहीं सकता, सिर्फ रोटेशन होगा। यानी ये मेंबर क्या करेगा, ये मेंबर ओनली अपने एक्सिस के अराउंड, मान लीजिए ऐसे मेंबर, तो ये अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, ओनली रोटेट करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। रोटेट करेगा तो देखिए, रोटेट कर रहा है तो इसके बीच में कोई थीटा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ, तो थीटा यानी यहाँ थीटा की वैल्यू है। अगला केस है, ये लोलर है, लोलर में हमेशा डेल्टा होता है, थीटा नहीं होता, ठीक है, यानी ये मूव क्या करेगा, ये पूरा पार्ट लेके डेल्टा आगे की ओर बढ़ जाएगा हिंज, और हमारा फ्री होता है जहां पर दोनों चीज होता है, यानी डेल्टा भी होता है और रोटेशन भी होता है एंड ट्रांसलेशन भी होता है। तो इसको हम अच्छे से विद द एनिमेशन से अभी पढ़ेंगे, एनिमेशन के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि फील्ड पर कैसा है, हमारा ये फील्ड में कैसा दिखता है। अगला हम एक चीज हमारा देखिए, अपने यहाँ पर हमने क्या किया, फिक्स था ये पहला केस, देखिए आपका फिक्स है, रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फिक्स, हमने पढ़ा था पहला केस जहां पर रोटेशन भी हमारा फिक्स था, ट्रांसलेशन भी फिक्स था। दूसरा केस हमने पढ़ा था, रोटेशन फ्री था और ट्रांसलेशन फिक्स था। रोटेशन फ्री मतलब आपका थीटा होगा, ट्रांसलेशन फिक्स यानी डेल्टा नहीं होगा। रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फ्री, रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फ्री, ये देखिए आपका केस है रोटेशन। क्या इस मेंबर यहाँ से रोटेट कर सकता है फ्रेंड्स, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं है कि ये पूरा का पूरा मेंबर यहाँ से रोटेट कर जाए, यानी ये जो मेंबर है या क्या थीटा बना सकता नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर फिक्स है, यानी यहाँ पर जब आपका फिक्स है तो ये क्या करेगा, रोटेट नहीं कर सकता, भले ही ये पूरी मेंबर आगे की ओर ऐसे बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ लोलर लगा है, यानी यहाँ पर डेल्टा होगा आपका, थीटा यहाँ पर नहीं होता, यानी यहाँ पर रोटेशन नहीं होगा और ट्रांसलेशन होगा। तो यहीं पर देखिए, रोटेशन इज फिक्स एंड ट्रांसलेशन इज फ्री, और लास्ट केस है फिक्स, जहां पर आप फ्री कर देते हो तो वहां पर आप रोटेशन भी फ्री कर देते हैं, ट्रांसलेशन भी फ्री कर सकते हैं। तो हम इसमें आप चलते हैं कि इसमें हमारा जो फील्ड होता है ना, फील्ड में वो कैसा दिखता है। ये आपका 4 केसेस है, फर्स्ट केस है आपका रोटेशन फिक्स्ड एंड ट्रांसलेशन, ऐसे ये हमारे 4 केसेस है आपके पास फ्रेंड्स। फर्स्ट है रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फ्री फिक्स, दूसरा है रोटेशन फ्री एंड ट्रांसलेशन फिक्स्ड, तीसरा है रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फ्री, चौथा है रोटेशन फ्री एंड ट्रांसलेशन फ्री, यानी आपके पास चारों केस था जो हमने अभी डिस्कशन किया। अब हम एक पहला केस उठाते हैं, सबसे पहले रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फिक्स, आप पहला केस लीजिए, देखिए ये पहला केस आपका एग्जाम्पल है,
रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फिक्स, ये यहाँ पर आप देखिए रिवीट लगा हुआ है, ये मेंबर आपका रिवीट बियर कर रहा है यहाँ पर। जब ये चीज रिवीट लगा है तो ये चीज क्या है, फिक्स है। यहाँ पर भी ये चीज क्या है, फिक्स है। जब ये चीज यहाँ पर ये फिक्स है फ्रेंड्स, ऊपर भी ये चीज आपका फिक्स है और यहाँ भी आपका फिक्स है, यानी ये मेंबर ना ऊपर की ओर जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा और ना रोटेट हो पाएगा, यानी यहाँ पर आपका ना थीटा होगा ना डेल्टा होगा, यानी यहाँ पर आपका थीटा और डेल्टा कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। इन फर्स्ट केस में हमारा जो था रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फिक्स, देखिए रोटेशन फिक्स में आपका ये भी कंडीशन फिक्स रहेगा और ऊपर भी फिक्स है, बीच में हमने भी ये देखिए फिक्स है, ये भी फिक्स है, और उसकी वजह से आप क्या होगा कि यहाँ वो हमने फिक्स कर दिया, तो इन यहाँ पर फिक्स होने से हमारा डेल्टा नहीं हो पाएगा, थीटा नहीं हो पाएगा। इन केस में पहला केस में हमारा दोनों नहीं होता है। इसमें फ्रेंड्स आपका ये एग्जाम्पल है जो आप फील्ड का यूज होता है, देखिए आपका जब इन्होंने कर दिया तो यहाँ पे ये आपको ऊपर नीचे भी नहीं जा सकता, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ये चीज मेंबर ऊपर नीचे जा सकता नहीं, ये ऊपर नीचे आ सकता नहीं है फ्रेंड्स, और ये मेंबर इधर उधर भी नहीं जा सकता और यहां से रोटेट भी नहीं सकता, बिकॉज रोटेट कर सकता था जब ये मेंबर ऊपर नहीं प्रोवाइड होता, ये मेंबर ऊपर प्रोवाइड होने से ये चीज ऊपर नीचे रोटेट नहीं कर पाएगी, रोटेट नहीं कर पाएगी तो यहाँ थीटा नहीं बन पाएगा। तो वहीं पर देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको कट कर दिया है कि यहाँ पर हमारा ना तो ऊपर नीचे हो पाएगा और यहाँ पर हमारा ना रोटेशन हो पाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर रोटेशन भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ ये मेंबर। एंड दूसरा केस हमारा फ्रेंड्स है, दूसरा केस है रोटेशन फ्री एंड ट्रांसलेशन फिक्स। देखिए अभी हमने जस्ट इसका ही एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें क्या था, ऊपर एक मेंबर लगा था, ठीक है, अब इसमें क्या है, ऊपर नीचे कोई मेंबर नहीं लगे हैं। अब जब ऊपर नीचे मेंबर नहीं लगे तो यहाँ थीटा पॉसिबल हो सकता है, यानी यहाँ पर थीटा हो सकता है, ये ऊपर नीचे रोटेट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर बोल्ट लगे हैं। आप जानते हो कि जब अभी आप पढ़ोगे मेंबर्स में, आप रिवेट कनेक्शन में पढ़े होंगे कि जो बोल्ट होते हैं या जो रिवेट होते हैं वो शीयर में फेल होते हैं, तो शीयर में क्यों फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जो दो प्लेट है, एक प्लेट ए एक प्लेट है, ये मूव करते हैं, जब ये मूव करते हैं तो उसमें शीयर जनरेट होता है जिसकी वजह से फेल होता है। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये मूव करेगा, मूव करेगा तो यहाँ पर आपका जो रोटेशन है वो क्या होगा, फ्री हो जाएगा, और लेकिन आपका ट्रांसलेशन फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या रहेगा, रोटेशन फ्री फ्री एंड ट्रांसलेशन फिक्स्ड, ठीक है। फर्स्ट थिंग आप देख लीजिए, इसमें जो दूसरा केस हमारा था कि रोटेशन फ्री एंड ट्रांसलेशन फिक्स्ड, तो इसमें आपका यहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे लगे होने के कारण यहाँ पर हम ट्रांसलेशन को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ऊपर नीचे जा नहीं पाएगा, यहाँ पर क्या ऊपर नीचे मेंबर जा पाएगा, ये मेंबर फ्रेंड्स ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा, भले ही यहाँ थीटा पॉसिबल है, यानी यहाँ पर ऊपर अप एंड डाउन ये मेंबर जा नहीं सकता, ये क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, लेकिन यहाँ से फ्रेंड्स ये हिंज होने के कारण क्या होता है, ये ऊपर नीचे घूम सकता है, यानी ये एक तरह से फ्रेंड्स ऊपर और नीचे क्या करेगा, मूव कर सकता है, तो यहाँ पर थीटा आपका पॉसिबल है और आपका ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस था, देखिए यहाँ पर रोटेशन फ्री है, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर मेंबर रोटेट कर सकता है ये मेंबर, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए, रोटेशन को पॉसिबल कर दिए हैं। एंड अब थर्ड केस लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा केस था जिसमें हमने रोटेशन को फ्री किया था और ट्रांसलेशन को फिक्स किया था, और हमारा अब थर्ड केस क्या है उसके बारे में देखते हैं। थर्ड केस हमारा है रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फ्री, यानी यहाँ पर आपका फ्रेंड्स थीटा नहीं पॉसिबल है लेकिन आपका डेल्टा पॉसिबल है। उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर, मान लीजिए आप बिल्डिंग बनाते हो, तो उसके लिए जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए आपका एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, ये आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स है, ये आप फुटिंग बनाए हो तो फुटिंग के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हो तो जिसके कारण इसमें अर्थक्वेक आने पर ये बिल्डिंग क्या करता है, एक डेल्टा की तरह फ्री हो जाता है, यानी डेल्टा हो जाए यहाँ पर जनरेट हो पाएगा और थीटा नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पर फ्रेंड्स डेल्टा होगा, डेल्टा के कुछ वैल्यू होगी फ्रेंड्स, जीरो नहीं होगा, यानी यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, डेल्टा इज पॉसिबल लेकिन थीटा इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ फिक्स,
तो यही हम केस इसको देखते हैं, यानी यहाँ पर हमारा ट्रांसलेशन फ्री था लेकिन रोटेशन क्या है, फिक्स है। तो देखिए आपका ये पार्ट है, जब इसमें अर्थक्वेक आएगा तो ये स्ट्रक्चर क्या करता, मूव करता है। इसके वजह से देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मूव किया, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन फ्री था लेकिन रोटेशन नहीं था। ये रोटेशन होता तो फ्रेंड्स ये थीटा एंगल मूव भी करता, जो कि थीटा एंगल ये मूव नहीं कर रहा है, यानी रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फ्री। ये हमारा कौन सा केस था फ्रेंड्स, केस नंबर 3 है। और एक हमारा यहाँ पर देखिए यही चीज बना हुआ है, जो अभी हमने बताया ये बिल्डिंग के नीचे ये चीज बने होते हैं, यहाँ पर डेल्टा पॉसिबल होता है और थीटा पॉसिबल नहीं होता। ये बिल्डिंग के नीचे वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये चीज प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेंड्स, जिसके वजह से यहाँ ट्रांसलेशन हो पाता है लेकिन रोटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आजकल जो बन रहे हैं अर्थक्वेक को बचाने के लिए, तो विंड लोड से बचने के लिए सब प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या था, रोटेशन को फिक्स कर दिया था और ट्रांसलेशन को हमने फ्री कर दिया था। ये आपका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेल्टा नहीं हो सकता, डेल्टा होगा फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर डेल्टा है, आपका रोटेशन नहीं हो पाएगा। ये आपका थर्ड केस था। अब आपका एक और केस है, फोर्थ केस। देखिए यहाँ पर रोटेशन नहीं है, रोटेशन हमने काट दिया, लेकिन हमारा क्या है, ट्रांसलेशन है। ये ऊपर ये ट्रांसलेशन मूव कर सकता है, इसलिए अब हम आते हैं चौथे केस में। चौथा केस है रोटेशन फ्री एंड ट्रांसलेशन फ्री। फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्लैग ऑफ द अमेरिका। आप इंडिया का भी फ्लैग ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ये फ्लैग है यहाँ पे। हमने फ्रेंड्स ये चारों केसों के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया कि रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फिक्स, रोटेशन फ्री एंड ट्रांसलेशन फ्री फिक्स, रोटेशन फिक्स एंड ट्रांसलेशन फ्री, रोटेशन फ्री एंड ट्रांसलेशन फ्री। यानी ये आप चारों केस देख लीजिए, आप आइए अपने जो यहाँ पर इसमें डेटा जो दिए होते हैं उसके बारे में देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इफेक्टिव हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्टेन अगेन रोटेशन इन बोथ एंड, बोथ एंड मतलब दोनों एंड क्या फिक्स है, मतलब दोनों एंड फिक्स होता है फ्रेंड्स। तो इसकी जो वैल्यू है इफेक्टिव लेंथ की वो क्या है, 0.5। अब ये जान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जिसकी इफेक्टिव लेंथ फ्रेंड्स जितनी कम होती है वो मेंबर कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। यानी आपकी इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर के यूज करते हैं 2L, यानी के फैक्टर जिसकी सबसे कम है उस मेंबर की कैरिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, कैरिंग कैपेसिटी मोर है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए अब ये हमारा बोथ क्या था, बोथ पोजीशन हेल्ड इन पोजीशन था, और फ्रेंड्स उसके बाद इफेक्टिव हेल्ड इन इन पोजीशन एट द बोथ इन रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन ऑफ वन एंड। क्या है, इसमें दोनों हमने हेल्ड में पोजीशन कर दिया, बस एक जगह हमने रोटेशन को क्या किया है, फ्री किया। रोटेशन जो फ्री किया फ्रेंड्स, यहाँ पर थीटा होगा, ये रोटेट करेगा तो इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होती है 0.7 होती है। ये हमारी थ्योरेटिकल डेटा है, लेकिन हम क्या डिजाइन करते समय 0.8 लेते हैं। ऐसे ही हमारी थर्ड पोजीशन है कि इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एट अ बोर्ड इन बट नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन। यानी हमारा दोनों इंड हमने फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ थीटा है, थीटा होने से क्या हुआ, हमने रोटेशन को फिक्स नहीं किया, यानी रोटेशन फ्री है। रोटेशन फ्री है तो हमारी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो 0.1 टाइम ऑफ फेल होगी, और जो हम डिजाइन भी करते हैं उसमें 0.1 टाइम ऑफ फेल भी लेते हैं। अब तीसरा केस है देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा केस है ऊपर वाला, ये केस सेम है सेम इस वाले केस के तरह। यानी इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर हमने लोलर प्रोवाइड कर दिया, लोलर प्रोवाइड करने से हमने थीटा तो रिस्टेंड कर दिया लेकिन डेल्टा के वैल्यू को रिस्टेंड नहीं कर पाया, यानी ट्रांसलेशन को फ्री कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा ये केस हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने जब यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, बस यहाँ किया, हमारा सेम केस यही बनेगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी क्या थी, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू थी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर डेल्टा नहीं था, यहाँ पर मतलब फ्रेंड्स यहाँ थीटा वैल्यू था, यहाँ डेल्टा की वैल्यू है, यहाँ थीटा को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ थीटा को हमने फ्री कर दिया और डेल्टा की वैल्यू को फ्री नहीं किया, यानी फिक्स कर दिया है।
और ये हमारी फ्रेंड्स आपका है कि यहाँ पर पार्शली होगा, जब ये पार्शली वर्ड जोड़ के आए यानी पार्शली रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट ए होल्ड पोजिशन, यानी पार्शली यहाँ पर है यानी आधा ही रोटेशन भी कर सकता है और आधा ही ट्रांसलेशन भी करता है। तो इसके लिए थ्योरेटिकल डेटा है नहीं, इसके लिए हमारा रिकमेंडेड वैल्यू इफेक्टिव लेंथ 1.5 है। और ये हमारा आपका क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने थीटा को दे दिया और यहाँ पर डेल्टा दे दिया, यानी दोनों दे दिया, जब दोनों दे देते हो पॉइंट पॉइंट टू हो जाता है, या एक एक पॉइंट पर आप दोनों दे दो फ्रेंड्स, या आप किसी एक पॉइंट पर दोनों देने का मतलब हमने हमारा ये कहना का मतलब है फ्रेंड्स कि आप किसी एक पॉइंट पर थीटा भी दे दीजिए एक एंड पर, और एक एंड पर आप डेल्टा भी दे दीजिए, तो हमेशा वो टू रहेगा, ठीक है। यानी ऐसा एक पॉइंट जहां पर हमारा थीटा भी हो और यानी डेल्टा भी हो थीटा भी हो, या तो दोनों पॉइंट में जहां पर डेल्टा भी हो और थीटा एक साथ आ रहे हैं, तो उसकी हमेशा इफेक्टिव लेंथ 0.2L होती है। देखिए इस केस में भी क्या था, इस केस में भी यही है, दोनों केस में देख लीजिए लास्ट वाले में कि यहाँ भी यहाँ हमने क्या किया है, डेल्टा प्रोवाइड कर दिया थीटा है, और यहाँ थीटा एंड डेल्टा था, यानी जहां पर थीटा और डेल्टा साथ में आ रहे हैं, यानी हमने थीटा का मतलब हमने ट्रांसलेशन बताया था, और डेल्टा का मतलब ट्रांसलेशन और थीटा मतलब रोटेशन, जहां पे ये दोनों साथ में आ रहे हैं वहां पर थ्योरेटिकल डेटा और रिकमेंडेड वैल्यू हमेशा 0.2 होती है, ठीक है। अब इसको हम फिर एनिमेशन के थ्रू देखते हैं, विच कॉलम इज मोस्ट लाइकली टू बकल, कौन सा कॉलम जो सबसे ज्यादा बकल होता है फ्रेंड्स। तो हमने अभी इसका केस देखा हूं, चारों में से सबसे ज्यादा जो फ्री एंड होता है वो ज्यादा बकल 2L होता है। तो आपका फर्स्ट पिन एंड पिन है, ये आपका पिन एंड पिन है, जब इस पे आपका लोड आएगा फ्रेंड्स, देखिए बकल हुआ, एक बार और आप देख लीजिए, जब इस पे लोड आएगा तो ये मेंबर क्या होगा, बकल रह जाएगा, यानी दोनों इन पिन है, पिन होने पर हमने क्या किया था, ए बी पिन है और ए बी पिन है, पिन होने पर हमने क्या लिया, वन लिया, तो वन ऑफ इफेक्टिव लेंथ। अब अनदर केस हम देखेंगे, दोनों हमारा क्या पिन है, अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या करिए, अपने हाथ में एक पेन को पकड़िए और ऊपर की ओर उसको मूव करिए, तो देखिए आपका पेन क्या हो रहा है, रोटेशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है ना, लेकिन ऊपर नीचे आप अपने हाथ को न ले जाइए, बस ऊपर नीचे ले जाएंगे तो उसमें डेल्टा भी आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर सिर्फ रोटेशन हो सकता है। देखिए आपका ये जो पेन है इसको आप मूव कराएंगे तो यहाँ पर ओनली डेल्टा जनरेट होता है, ये मूव कर सकता है आगे नीचे, ये देखिए यह है ना थीटा इस पे है। अब दूसरा फ्रेंड्स हमारा मोमेंट है, यानी यहाँ पर फिक्स होने से मोमेंट जनरेट होगा, ऊपर फ्री है, जब इस पे हम लोड अप्लाई करेंगे तो इस पे जब हम लोड हमारा आता है तो ये पूरा 2L टाइम क्या इफेक्टिव हो जाता है, 0.2L और फेल। अब ये हमारा तीसरा केस क्या है, जिसपे दोनों पे मोमेंट आता है, तो दोनों मोमेंट आता है तो यहाँ पर सबसे कम हमारी क्या होती है, जनरेट होती है। देखिए एग्जाम्पल है आपका मोमेंट का, यहाँ पकड़ लीजिए इसको, जब पकड़ लेंगे तो हमारा रोटेशन हो नहीं पाएगा और ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर दोनों चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा तीन, अब इसी तीनों केस से देखिए बार बार से हम लोग लोड लगा रहे हैं, और लोड लगाने पर हमारे क्या होते हैं डिफरेंट, अब इसी डिफरेंस केस से हम अनदर छह केसेस या सात केसेस जो होती है उसको हम बनाते हैं, जो हमारी ये यही सब केसेस है, यहाँ पिन पिन है, ये मोमेंट फ्री है, मोमेंट मोमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सर चलिए हम इसको एक इफेक्टिव हमारे देखिए इसी केसेस से हमने छह केसेस बनाए, कॉलम ऑफ एंड कंडीशन, पहला फिक्स कर दिया, यहाँ पिन कर दिया, ये हमारा लोलर वाला केस है जहाँ पर दोनों लोलर प्रोवाइड किया था, यानी ये हमारा कौन सा केस है फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने यहाँ पर लोलर प्रोवाइड करके अभी देखा था ना, ये हमारा वही लोलर वाला केस है। अब ये हमारा फ्री है, ये भी लोलर का केस है, लेकिन यहाँ पर क्या है हिंज कर दिया है, यानी हमारे टोटल छह केसेस का बन गया, यानी इसमें हमने अब इसमें देखिए बारी बारी से अब क्या करिए, लोड को अप्लाई करिए, अब कब सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन इन दोनों में हो रहा है, इसलिए 0.2 टाइम ऑफ लेंथ ये दोनों होता है, ये फिक्स है, ये फ्री है, यानी ये हिंज था, ये फिक्स था और ये फ्री था। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ये हमारी लोलर कंडीशन होती है, ये भी लोलर कंडीशन, यानी ये दोनों क्या है लोलर कंडीशन है, ये हिंज हिंज है और ये फिक्स, एंड ये हमारे फ्री था और ये फिक्स था, और ये सबसे कम हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें एल यानी ये डिफ्लेक्ट होता है। अभी हम आगे देखते हैं कि
हमारे एक सबके अब सबसे पहले हम कौन सा ये वाला कंडीशन लेते हैं। अब इसमें देखिए हमारा फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, दोनों हमारा फिक्स कंडीशन है। फिक्स कंडीशन होने के कारण इसमें जो डेल का वैल्यू होता है, ये जो डिफ्लेक्शन होता है ना, वो कम होता है। ये हम 6 केसेस हम बना लेंगे, ए बी सी डी डी ई एफ। इसमें हम बारी बारी के जब लोड लगाते हैं तो हमारे कंडीशन आपने देख लिया कैसे हमारा क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। ये देखिए आप फिक्स का कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, ये आपका फिक्स का पहला कंडीशन। दूसरा आपने देखिए, आपने दूसरे पे क्या किया, हिंज ऊपर पकड़ लिया, यानी ऊपर पकड़ने से आप हिंज का फॉर्मेशन हो गया। जब अपने मुट्ठे से पकड़े हुए हैं तो फिक्स का काम करता है, जब आप दो उंगली से पकड़ते हो तो हिंज का काम करता है वो। अब ये देखिए लोलर, ये लोलर लगाया हुआ चीज है ना, तो ये लोलर से क्या होता है आपका थर्ड कंडीशन बन गया। और उसके बाद आपका हिंज कंडीशन आपने देख लिया कि दोनों उंगली से आप पकड़े हुए थे, और नीचे जो आप पकड़े हुए हो, ये आप जो पकड़े हुए तो ये आप फिक्स डीटी के कंडीशन में बनाए हुए हो। ठीक है, ये आपका देखिए बॉथ ऑफ ये दोनों आपका कौन सा केस है, ये दोनों हिंज का केस है, क्योंकि आप नीचे भी हिंज प्रोवाइड कर दिए, ऊपर भी हिंज प्रोवाइड कर दिए, तो आपका दिस इज द हिंज केस है आपका। आप उसके बाद ये फिक्स फ्री का केस आपका ये वाला है, ये देखिए आपने फिक्स किया है नीचे और ऊपर फ्री कर दिया, तो आपका ये फिक्स और फ्री का केस है। ठीक है, अब उसके बाद आप ये वाला अगला है आपका, यहाँ पर आपने हिंज कर दिया है, यहाँ पर देखिए आपने हिंज किया है और यहाँ पर भी हमारा हिंज है, ऊपर आपने लोलर प्रोवाइड किया है, यहाँ लोलर का केस है हमारा। तो ये हमारा क्या था, ये केस था। अब इसमें ये हमारा लोलर का केस था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर डेटा को लिख लीजिए कि इसके लिए डेटा कौन कौन से डेटा किसके लिए होता है, ये मैंने आपके केस में बता दिया था। उसके बेसिस पर देखिए फ्रेंड्स, आपने केस देख लिया, अब उसके बेसिस पर डेटा आपने आपका डिजाइन डेटा ये यूज होता है, थ्योरेटिकल डेटा ये है यहाँ, यानी ये आपका डिजाइन डेटा है 0.65.8.1.2 1.1, अरे 1 2.9 2 2.0 2.0 आपने